अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल जो कि बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बनने वाला है, क्योंकि कारनामे आप लगातार देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े नेता आपके शहर को चमकाने के लिए जुटे हैं। और ऐसी ही एक और चमक आपको दिखाने के लिए इस समय हम खड़े हैं NDRI से, जो गीता द्वार को रोड जाता है वहाँ पर। दोस्तों, लगातार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि शहर के अंदर हर जगह पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब रेल की पटरियों के नीचे भी इंटरलॉकिंग टाइलें लगेंगी, वो दिन दूर नहीं जब नेशनल हाईवे भी इंटरलॉकिंग टाइलों का बनाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं जब ऐसा आदेश आ जाएगा कि आपके घर की छत पर भी इंटरलॉकिंग टाइलें ही लगेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर काम चल रहा है स्पीड ब्रेकर बनाने का। ये वो स्पीड ब्रेकर है जो अभी बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। हालांकि एक साइड का स्पीड ब्रेकर का काम चल रहा है, एक साइड स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं और इन स्पीड ब्रेकरों की वजह से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। कैसे ये स्पीड ब्रेकर बनेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर इन स्पीड ब्रेकरों से जो हादसे हैं वो कैसे रुकेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर चलते हुए रोड पर, जो कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, किसी तरह के अभी कोई निशान यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, कोई बोर्ड यहाँ पर नहीं लगे हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर सामने आप देख सकते हैं कि बन चुका है। आखिर हादसों की जिम्मेवारी अगर इससे होती है तो कौन लेगा? आखिर इस तरह से स्पीड ब्रेकरों से, जो ये इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं, आखिर ये किसका दिमाग है, कौन सलाहकार है, अपने आप में ये बड़ा सवाल ज़रूर है। और अगर माने तो शायद हो सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा और चौड़ा स्पीड ब्रेकर ये हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ बनाया जा रहा है। जब लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में यहाँ से निकलते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता रात को कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, और इस स्पीड ब्रेकर से हादसे हो जाते हैं। हादसे अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि भैया ये इंटरलॉकिंग टाइलों का स्पीड ब्रेकर, हिंदुस्तान का शायद पहला स्पीड ब्रेकर करनाल में बनाया जा रहा है। और जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाएगा, क्योंकि करनाल एक्सपेरिमेंटल सिटी बन चुका है, एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके शहर में भी इस तरह से इंटरलॉकिंग टाइलों का जो ये स्पीड ब्रेकर है ये बनाए जाए। अब सवाल यहाँ पर दोस्तों मैं क्यों कर रहा हूँ, जब मैं छोटा होता था बचपन में मेरे गली में स्पीड ब्रेकर बनते थे तो RCC के बनते थे, थोड़ा सा और बाहर रोड पर जाते थे तो स्पीड ब्रेकर बनते थे, जो तार कॉल की सड़क बनती है उसके स्पीड ब्रेकर बनते थे। लेकिन अब करनाल शहर के अंदर इंटरलॉकिंग टाइलों के स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, भाई अपने आप में ये बड़ा और गंभीर सवाल ज़रूर है कि तार कॉल का ये स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बनाया जा सकता था। अगर भगवान मुझसे ये कहे कि भैया एक वरदान मांग ले कि तू क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये इंटरलॉकिंग टाइलें कहाँ से आ रही हैं, कौन इनको निर्मित कर रहा है, कौन इनका निर्माण कर रहा है, और ऐसी क्या सेटिंग है कि हर जगह पर टाइलें ही टाइलें लगाई जा रही हैं। सबसे पहले आप देखें कि वो देखिए रोड के एक तरफ जो आपको फुटपाथ दिखाई दे रहा है वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हुई हैं। शहर की हर गली में, हर नुक्कड़ में इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हुई हैं। सामने जो फुटपाथ आप देख रहे हैं वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगी हैं, और यहाँ पर जो ये काम चल रहा है यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग टाइलें लग रही हैं। यहाँ पर सारे मजदूर ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है देखने के लिए कि आखिर काम कैसा चल रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई ठेकेदार मौजूद है। भैया ठेकेदार कौन है आपका यहाँ पे? मुंशी है जी, जा रहा अभी कहीं मुंशी है जी वो भी। ठेकेदार कहाँ है, कोई अधिकारी अफसर है यहाँ पे? अफसर तो है नहीं कोई। कौन है, किसकी देखरेख में काम हो रहा है ये? प्रवीण जी है। कौन है प्रवीण जी? ठेकेदार ही है जी। नहीं, ठेकेदार तो है, सरकारी कोई अधिकारी यहाँ आता है? कौन है? बस ये तो पता नहीं, मुंशी नहीं पता जी, हम तो मजदूर हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र। तो ये इंटरलॉकिंग टाइलों के फुट क्या बना रहे हो? ये स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर, कितने टाइम हो गया आपको ये मजदूरी वगैरह करते हुए? हम तो भी आए 1-2 महीने से। नहीं, कितने साल से वैसे मजदूरी, कितने ये साल तो पहले ही बनाया हमने स्पीड ब्रेकर। पहली बार बना रहे हो? हाँ। ये इंटरलॉकिंग टाइलों के स्पीड ब्रेकर पहली बार बना रहे हो? इंटरलॉकिंग टाइलों के स्पीड ब्रेकर पहली बार बन रहे हैं। और ये देखिए सड़क यहाँ पर उखाड़ी गई है, यानी कि जिस सड़क के ऊपर आराम से
एक तार कोल का स्पीड ब्रेकर बनाया जा सकता था। मेरा दिल करता है कि सर पकड़कर अब टक्कर कहां पर मारूं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि सलाहकार कौन है। सलाहकार की बात बार बार इसलिए आती है कि देश के हर हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं, करनाल के हर हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं। भैया क्या इंटरलॉकिंग टाइलें किसी पेड़ से उतर रही हैं, किसी पेड़ पर लग रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल, गंभीर सवाल ज़रूर है। अब ये देखिए कमाल की ये टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर ये पानी निकासी का प्रबंध किया गया, यानी कि जो पानी की निकासी है वो होकर सामने प्लॉट में खेत में चली जाए। अब यहाँ पर जब ये स्पीड ब्रेकर बन जाएगा तो आखिर इसकी पानी की निकासी कहाँ से होगी? ये इंजीनियरिंग देखिए हमारे देश की, ये सिफारशी इंजीनियरिंग है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता, जो निखत होते हैं, उन लोगों को डिग्रियां बनवा कर किस तरह से नौकरियों पर रखा जाता है, ये उसका सीधा साधा उदाहरण है। क्योंकि कोई सही इंजीनियर मुझे नहीं लगता कि ऐसी सलाह देगा कि आप यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलों का जो स्पीड ब्रेकर है वो बना दीजिए। अपने आप में ये गंभीर भी है, दुखदायी भी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ पर निकल रही हैं, और ये देखिए समझ रहे हैं आप कि इस तरीके से इस देश को यानी कि बनाया जा रहा है, पैसे की बर्बादी किस तरह से की जा रही है, पैसे को किस तरह से उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और ये वो पैसा है जो लोन का पैसा है, ना हमारा पैसा है, ना आपका पैसा है, ना सरकार का पैसा है, ये पैसा लोन का पैसा है। वो लोन जिसे आपको, सरकार को, हम सबको अभी चुकाना है, ये वो लोन है। और उस लोन से कैसे आपके पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये रोड 6 लेन बनाई, 3 लेन इस साइड, 3 लेन इस साइड, क्या इस रोड को बने हुए 3 साल हो गए? 3 साल पहले जब आपने ये सड़क बनाई थी, किस इंजीनियर ने इसे डेवलप किया? क्या तब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनना चाहिए था? आपको 3 साल बाद ही क्यों ये याद आया कि आखिर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए? बहुत सारे जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऐसे कार्यकर्ता होंगे, सोचेंगे भैया इसको दिक्कत क्या है, हम काम नहीं करते तो भी दिक्कत है, हम काम करते हैं तो भी दिक्कत है, करें तो करें क्या? आप पैसे का यूटिलाइजेशन करो, वेस्टेज ऑफ मनी ना करो, ये मैं चाहता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि आप पैसे को बर्बाद ना करें। सर ये जो स्पीड ब्रेकर, एक थोड़ा सा नीचे करना, आपने कभी वर्ल्ड के अंदर कहीं पे इंटरलॉकिंग टाइलों का स्पीड ब्रेकर देखा है? नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा सर। और यहाँ बनना चाहिए ये इस तरह से? नहीं बनना चाहिए जी। जब रफ्तार तेज होगी गाड़ियों की तो हादसे नहीं होंगे? बिल्कुल सर। आपने देखा कभी इंटरलॉकिंग टाइलों का स्पीड ब्रेकर? नहीं देखा सर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है करनाल में ही हो रहे हैं सारे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गलत है सर। ये गाड़ी तो बिल्कुल स्पीड से आती है, फिर उसके बाद उछलती है गाड़ी, एक्सीडेंट हो सकता है 100% होगा। हुए भी हैं पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। टाइलों का तो ऐसे लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कल को सरकार आदेश दे दे कि लेंटर भी इंटरलॉकिंग टाइलों का डलेगा। हाँ, नहीं सर, ये रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए सरकार को, जैसे ये रोड उसी हिसाब से चलना चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो आप समझिए कि जो लोग जा रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर नहीं समझते इस बात को, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी सीएम सिटी करनाल के इंजीनियर हैं। और अगर हम उन्हें समझा पाए तो फिर हमारी यानी कि योग्यता, कैसी योग्यता अगर हमने ही उन्हें समझा दिया, और उनकी योग्यता आखिर कैसी योग्यता अगर उन्होंने भी समझ लिया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर एक सवाल और भी है कि क्या जो ये लंबी चौड़ी 20 फुट की आपको चौड़ाई दिख रही है, वो भी इसलिए दिख रही है कि कम से कम एक गली जितनी ईंटें तो लग जाएँ, जो पेट हमने भरना है वो पेट तो भर जाए, ये यहाँ पर मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। हंस में साथ साथ इसलिए रहा हूँ, कितनी खबरें दिखाई, सफाई घोटाला, सीमेंट ईंटों के अंदर सीमेंट नहीं है वो वाला घोटाला, चलते हुए सड़क पर हमने आपको दिखाया खड्डा घोटाला, पानी का घोटाला, पानी की पाइप का घोटाला, यानी हर तरफ घोटाले घोटाले, लेकिन किसी को शर्म ही नहीं है, किसी को लगता ही नहीं है कि ये कोई मुद्दा है। सबको लगता है, लाखों लोग उसे देखते हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, हज़ारों लोग उसे शेयर करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। समझ कैसे आएगा भाई, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनके सामने हम और आप की आखिर बिसात ही क्या। आप सभी से अपील, अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा ठीक है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने दुनिया के किसी हिस्से में इंटरलॉकिंग टाइलों के स्पीड ब्रेकर देखे, अगर देखे हैं तो उसकी फ़ोटो ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।